स्वागत है आपका राधिका मेकओवर्स में। मैं ऋचा त्रिपाठी आज आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपनी स्किन का केयर कैसे करें, और अगर आपकी स्किन पे मेकअप लगा हुआ है तो उसको आप आसान से आसान तरीके से कैसे रिमूव कर सकें, और रिमूव करने का तरीका ऐसा बताने जा रही हूँ मैं आपको जिससे कि आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी रहने वाली है और बहुत सॉफ्ट ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन को आपको मिलने वाली है अगर आप इस ट्रिक को मेरे फॉलो करते हैं रिमूव करने के लिए, अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और देखते हैं कि सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं लेने जा रही हूँ गाइस, वो मैं ले रही हूँ आज हिमालय का बेबी क्रीम। इस क्रीम को गाइस लगाने के बहुत सारे स्किन में फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये सारा जो भी हिमालय के प्रोडक्ट हैं, पैराबिन फ्री हैं, मिनरल्स फ्री हैं, और इनमें किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, सिंथेटिक्स कलर का यूज़ नहीं किया जाता है इनमें। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ऑल स्किन टाइप होते हैं, और इनमें सबसे अच्छी बात इस क्रीम की जो है, इसमें ऑलिव ऑयल मिला हुआ है। तो ऑलिव ऑयल स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही सारे बेनिफिट्स देता है स्किन को वो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और इसको प्रोसेस अपना शुरू करते हैं। हमने क्रीम को ले लिया अच्छे से, आप देख रहे हैं मेरे फेस पे अच्छा खासा मेकअप लगा हुआ है। एक से दो मिनट आपको मसाज करनी है बस सर्कुलर मोशन में। गाइस देखिएगा, जो एक हमारे यहाँ या हम सबके मन में एक मिथ होता है कि अरे हम मेकअप नहीं लगाएंगे, मेकअप करने से स्किन बेकार हो जाती है। नहीं गाइस, मेकअप आपका मन करे जितना लगाइए, डेली लगाइए मेकअप, बट साथ में स्किन केयर रूटीन फॉलो करिएगा, आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी रहेगी, आपकी स्किन मेकअप से डैमेज नहीं होगी बिल्कुल भी। मैंने नॉर्मल बैग वाइप लिया है, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, टॉवल वगैरह, या कॉटन भी ले सकते हैं डायरेक्ट, जो आपको आसानी से मिल जाए घर पर अपने। या गाइस एक बात मैं और बताना चाहूँगी, इसकी जगह अगर आपके पास, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम, ये क्रीम अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर पड़ा हुआ है जो आप पर्सनल यूज करते हैं, आप उस मॉइस्चराइजर को इस जगह यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ये क्रीम मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। देख रहे हैं आप गाइस, सारा मेकअप जो था वो इस वाइप में आ चुका है मेरे। अब यहाँ पे आप चाहें तो, अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या आपको बहुत ज़्यादा स्किन में मतलब कंफर्टेबल अगर आपको फील ना हो रहा हो, तो यहाँ पे आप किसी भी हिमालय का फेस वॉश या अदर ब्रांड आपका जो भी पड़ा हुआ हो, आप उस फेस वॉश को लेके आप यहाँ पे अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं। अगर हिमालय प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप, तो हिमालय का प्रोडक्ट गाइस बहुत ही अच्छे होते हैं, ये केमिकल फ्री होते हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं और किसी भी तरह की आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दूसरा प्रोडक्ट जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे, टोनर का ले रही हूँ। आप मेरे कई सारे वीडियो में टोनर को यूज करते हुए देखते होंगे। टोनर का यूज गाइस, यूज करना स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये जो इसका हिमालय का जो ये टोनर है, ये ऑल स्किन टाइप है, आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, और पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, ऐसा कोई भी इसमें केमिकल नहीं, सीधे से शब्दों में कह लीजिए इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो ये आपकी स्किन को फ़ायदा पहुँचाता है। और इसका टोनर को जो काम होता है स्किन पर, वो होता है सिर्फ ये कि आपके जो पोर्स होते हैं इनको मिनिमाइज करता है, स्किन को टाइट करता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये कि ये, और ऑयल फ्री स्किन आपको मिलती है इसको यूज करने से, तो गर्मियों में तो इसका यूज जरूर किया करें। मैं तो इसका यूज 12 महीने करती हूँ, मेरे स्किन केयर रूटीन में ये टोनर जरूर शामिल होता है। अच्छे से आपको डैब डैब कर देना है पूरी स्किन में।
अगर टोनर नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो भी प्रोडक्ट और मेकअप का था मेरे फेस पे वो इसमें कॉटन में आ चुका है टोनर के साथ में, तो अब मेरी स्किन एकदम से मेकअप रिमूव हो चुका है मेरी स्किन से। अब मेरी स्किन पे कोई भी मेकअप, बिल्कुल भी मेकअप नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं लेने वाली हूँ ये हिमालय की नाइट क्रीम लेने वाली हूँ। इस क्रीम के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी स्किन में सेल्स होती हैं उनको रिन्यूवल करता है और नरिश करता है हमारी स्किन को, मॉइस्चराइजर लेवल को बैलेंस करता है ये, और रीस्टोर स्किन फॉर डैमेज, यानी कि जो भी हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है उसको ये पैम्पर करता है। यानी कि साधारण से शब्दों में मैं आपको बता दूँ कि आप जैसे हमने मेकअप लगाया उससे जो भी हमारी स्किन को अगर डैमेज हुआ है तो ये ओवर नाइट में आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। सुबह आप जैसे फेस वॉश करेंगे आपकी स्किन तरोताजा ही आपको मिलेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो गाइस नाइट क्रीम का यूज जरूर किया करें आप, और हिमालय के प्रोडक्ट तो आपको पता ही हैं केमिकल फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं, तो इन सब चीज़ों से तो आपकी स्किन, जैसे अगर केमिकल वाला प्रोडक्ट कोई आप यूज कर रहे हैं तो आपकी स्किन को नुकसान ही होता है। तो आप मेक श्योर किया करें जो भी प्रोडक्ट यूज करें उनमें केमिकल ना हो, वो ही प्रोडक्ट अपनी स्किन में यूज करें। और जो भी एंटी एजिंग प्रॉब्लम जो स्किन में हमारे होने लगती हैं एज बढ़ने के साथ साथ, वो भी नहीं होती हैं जब हम इस तरह की क्रीम यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल और इसको मैं अपनी आई के अंडर आई एरिया पे अच्छे से मसाज कर दूँगी इससे। इस एलोवेरा जेल में मैंने हल्का सा विटामिन ई को कैप्सूल को मिला के रखा हुआ है जिससे मेरी आई वाला जो एरिया है ये ब्लैक ना पड़े, एजिंग साइन ना आए इसमें और मेरी आँखें हेल्दी रहें। हो गया, अब बारी आती है हमारे लिप की। लिप के लिए आप कोई भी अच्छा सा लिप बाम जो आपको पसंद हो आप वो लेके लगा लीजिए। ये देखिएगा गाइस, ये हमारा स्किन केयर रूटीन कंप्लीट होता है यहाँ पे। आप नाइट में ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने लगाए हैं मेरी स्किन को फ्रेश रखेंगे, हेल्दी रखेंगे और रिपेयर करेंगे जो भी पार्ट मेरे सेल्स जो भी डैमेज हुआ होगा उनको फिर से ये अच्छा कर देंगे, और हमारी मुझे सुबह स्किन अपनी बहुत हेल्दी एंड फ्रेश मिलने वाली है गाइस। तो इस तरह के आप स्किन केयर रूटीन टाइम टू टाइम जरूर फॉलो किया करें, सीजन के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग या अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको पसंद आए, जिस तरह के प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो उनसे किया करें। मैं तरह तरह के स्किन केयर रूटीन या मेकअप रिमूव करने का तरीका आपको बताती रहती हूँ गाइस, उनको आप फॉलो किया करें और अपनी स्किन को हेल्दी रखा करें। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, बाय।